थैंक यू सो मच अवधेश जी, थैंक यू सो मच। मैं सुन रही थी और काफी एक्साइटेड थी मैं। हालांकि अब ठंड शुरू हो गई है और आप लोगों को देखकर, स्पेशली मैं सीमा जी को देख रही हूँ, संगीता जी को देख रही हूँ, नाजिया ने तो अपना कैमरा ऑफ करके रखा है, राइट। लेकिन मैं देख रही हूँ कि सारे लोग, मोस्ट वेलकम मैम। यस 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 नाजिया, थैंक यू सो मच स्वीट हार्ट, थैंक यू सो मच। तो मैं देख रही हूँ कि सारे लोग कंबल और ब्लैंकेट में घिरे हुए हैं। इसको देख के लग रहा है कि बिहार में ठंड बहुत तेज हो गई है, राइट। हालांकि बंगाल भी पीछे नहीं चल रहा है। मैं आपको बता दूं कि आज हम लोग अभी 70 डिग्री पे हैं और जैसे जैसे रात बढ़ रही है ठंड यहाँ भी बढ़ रही है। लेकिन एक चीज मैं जानती हूँ कि सफलता दिमाग में होती है और जिनका जिनके दिल में, जैसे आज संगीता जी ने पार्टिसिपेट किया था, सीमा जी ने पार्टिसिपेट किया था, आप लोगों को पता होगा आज हम लोगों ने सुबह से बी गॉर्जियस डे सेलिब्रेट किया है। और अभी अभी आप देख रहे होंगे मेरे सामने, मैं लेकर बैठी हूँ हमारे सेंटा बाबा, राइट। तो आप देख रहे होंगे और मैंने मैंने आज इनको मैंने आज इनको वेस्टीज का सेंटा बाबा बनाया है, क्योंकि मेरा टारगेट ये है कि जैसे सेंटा क्लॉज आते हैं और बच्चों की विशेष पूरी करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से सेंटा हमारे लाइफ में भी आए और हमारी जिंदगी में जितनी विशेष, जितनी कामनाएं, जितनी हमारी चाहत है, उन सबको वो पूरा करे, राइट। तो आज मैं ट्रेनिंग शुरू करूं, इसके पहले मैं जस्ट आप लोगों को, अवधेश जी ने काफी बड़ा परिचय दिया है मेरा, लेकिन फिर भी बिना अपना परिचय दिए काम नहीं बनता है। सो पहले तो मैं धन्यवाद करूं अवधेश जी का, सुरेंद्र जी का, क्योंकि आज इनकी बदौलत मैं सिवान को जान पाई। और मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना फ्रेंड्स कि लोग जब हम लोगों से मिलते हैं तो कहते हैं मैम आप हमारी इंस्पिरेशन, आपसे मिलने के बाद जिंदगी बदल गई। लेकिन मैं आपको सच बताऊं, हमें भी मोटिवेट होने के लिए कोई ना कोई इंसान चाहिए, हमें भी मोटिवेशन की आवश्यकता होती है। और मैं आपको बता दूं कि सिवान वो स्टेट है जिसको देखकर मैं मोटिवेट होती हूँ, राइट। वो लोकेशन जहां पे मैं आप लोगों को बताऊं, मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगी अवधेश जी का, सुरेंद्र जी का, क्योंकि शायद अगर आप लोग नहीं होते तो ये इलाका इतना डेवलप नहीं होता। मैं अपनी हर मीटिंग में कहती हूँ फ्रेंड्स कि जब मैं पहली बार बिहार आई थी और मैंने पहली बार, इनफैक्ट मैं उस दिन भी मीटिंग में बता रही थी कि मेरी फर्स्ट मीटिंग थी बिहार में, और जब मैं मीटिंग करने आई रविंद्र भवन में 1100 लोग बैठे हुए थे मेरी पहली मीटिंग में, और उस मीटिंग में सिर्फ 10 महिलाएं बैठी थी, जिसमें 4 महिलाएं ठीक से बैठी थी और बाकी 6 महिलाएं दोनों पैर फोल्ड करके, जिसको कहते ना आलती पालती मार के, हाथ ऐसे करके, शॉल ऐसे लेके, और आराम से बैठी थी चेयर के ऊपर। और मैंने उनको देखने के बाद 5 मिनट मुझे ये नहीं समझ में आया कि मैं मीटिंग शुरू कहां से करूं, ठीक। और फिर मुझे ये लगा कि माय गॉड, यहां से डेवलपमेंट शुरू करना है। तो मैं वापस आई और मैंने दीपक सर को फोन किया और मैंने कहा सर आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में भेज दो, मैं बिहार नहीं जाऊंगी। हंसने लगे वो, और उन्होंने सिर्फ एक लाइन बोला कि तिवारी तू ही कर सकती है। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने पिछली मीटिंग में भी आप लोगों को बोला था और आज भी बोल रही हूँ कि आई टुक अ चैलेंज। और मुझे याद है मेरे पापा जी ने एक बात कही थी, मेरे फादर ने मुझे एक बात कही थी कि बेटा जो स्टेट डेवलप है वहां काम करके मजा नहीं है, मजा वहां है जहां पे रियल मामले में डेवलपमेंट की आवश्यकता है। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि वहां से जर्नी शुरू हुई, और उसके बाद अभी रिसेंटली हमारा एक आई शेडो स्टिक का ऑफर आया था, और आई शेडो स्टिक में बिहार पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 पे था। क्या बात है, जोरदार ताली होनी चाहिए। यस, बिल्कुल जोरदार ताली होनी चाहिए। और दीपक सर ने मेरे को फोन करके पूछा कि तिवारी एक बात बताओ। मैंने कहा बताओ, पूछो सर। तो कह रहे यार जहां पे लेडीज यहां से लेके यहां तक पीला सिंदूर लगाती हैं, वहां पे वो आई शेडो कहाँ पे लगाती होंगी, तू मुझे समझा, तूने क्या समझाया। मैंने कहा कि सर दिस इज द पावर ऑफ बिहार। और मुझे याद है कि जब मैंने बिहार शुरू किया था तो मेरे पापा हमेशा ये कहते थे,
और इसीलिए मैं डर के मारे जाती भी नहीं थी कि पापा कहते थे एक बिहारी सौ पे भारी, राइट। और फ्रेंड्स आप लोगों ने इसको पूरा कर दिया, आप लोगों ने ये जो स्लोगन जिसने बनाया होगा शायद उसको नहीं पता होगा कि ये स्लोगन वो क्यों बना रहा है, लेकिन जिन्होंने कर दिखाया, उन्होंने प्रूफ किया कि बिहार अगर चाहे तो हिंदुस्तान में वो नंबर वन था, नंबर वन है, और अगर चाहे तो वो नंबर वन रहेगा, करेक्ट। और ये सिर्फ और सिर्फ पावर है आप लोगों का, क्योंकि मैं एक चीज जानती हूँ फ्रेंड, बहुत सारे स्टेट्स में हैंडल करती हूँ आज की डेट में, मैं 12 स्टेट्स, और 12 स्टेट तो मैं अभी हैंडल कर रही हूँ, मैं लास्ट 14 साल से नेटवर्क इंडस्ट्री में हूँ। नाम आप लोग मेरा देख ही रहे होंगे, स्क्रीन पे लिखा हुआ है आरती तिवारी। बहुत प्राउड होता है जब अपना नाम मैं खुद बोलती हूँ, आरती तिवारी नाम है मेरा। लास्ट 14 ईयर्स से नेटवर्क इंडस्ट्री को हैंडल कर रही हूँ। 8 साल मैंने हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे बड़े मल्टीनेशनल कंपनी के साथ काम किया, और आज की डेट में वेस्टीज को इंटरनेशनल कर रहे हैं हम लोग, और लगे हुए हैं कि इंटरनेशनल कंपनी के साथ हम भी जुड़े रहे। तो फ्रेंड्स आज की डेट में हम काम कर रहे हैं, और बहुत बड़े स्केल पे काम कर रहे हैं। टोटल में 12 स्टेट हैंडल करती हूँ मैं, 8 तो मतलब वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और सिक्किम, इसके साथ साथ नॉर्थ ईस्ट का 7 स्टेट, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, ये सब मैं हैंडल करती हूँ। और उसके साथ साथ 2 इंटरनेशनल कंट्री हैंडल करती हूँ, वन इज कंप्लीट बांग्लादेश एंड अनदर वन इज कंप्लीट नेपाल, राइट। पाइपलाइन बहुत लंबी है फ्रेंड्स, काफी आगे जाना है, रुकना नहीं है, क्योंकि रुकना मेरी फितरत में नहीं है। मैं हर मीटिंग में एक ही चीज कहती हूँ, आगे तो बढ़ना है बाई हुक और बाई क्रूक। और मैं आप लोगों से हमेशा रिक्वेस्ट करूंगी, एक लाइन याद रखिएगा, आज की डेट में वेस्टीज के बारे में बात करते वक्त न शर्माइएगा न घबराइएगा, सिर्फ एक चीज समझिएगा, उस इंसान को आपकी जरूरत है, आप उनकी जिंदगी बदलने जा रहे हैं, और आप एक ऐसा नेक काम करने जा रहे हैं जिससे उस इंसान के सारे सपने पूरे होंगे। आपको उनकी आवश्यकता नहीं है, उनको आपकी आवश्यकता है, राइट। तो हमेशा एक लाइन याद रखिएगा कि समझाने के बाद भी अगर कोई ना समझे तो सिंपल सा फिलॉसफी याद रखिएगा, तुम नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही, राइट। 132 करोड़ की आबादी है हिंदुस्तान की, ठीक है, आपको कोई रोक नहीं सकता है। आप आगे बढ़ने के लिए इस धरती पे पैदा हुए हैं, और मैं हर मीटिंग में कहती हूं बी अ रोल मॉडल फॉर अदर्स। जिंदगी में दूसरे को, दूसरे आपकी तरह बनना चाहे, ऐसी पर्सनालिटी बनिए, क्योंकि जिंदगी एक बार मिली, करेक्ट। सफलता, लोग कहते हैं ना कि सफल आप कब होंगे, मैं क्या करूं तो मैं सक्सेस हो जाऊं, मैं सिर्फ एक लाइन कहती हूं कि अगर सफल होना है तो ये सोच लो कि मैं सफल हो गई। जिस दिन आपने सोचा, असली सफल तो आप उसी दिन हो गए, उसके बाद तो सिर्फ जर्नी को पूरी करनी है, करेक्ट। तो मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ कि मैं तो बिल्कुल तैयार हूं, और हमेशा जब भी आप मेरी आवाज सुनते होंगे आपको लगता होगा कि जब मैं सुबह मतलब मैं रात को सोने भी जाती हूँ तो मैं इतनी ही एक्साइटेड होती हूँ कि यस अब मुझे एक अच्छी नींद लेनी है, मेरा एक्साइटमेंट लेवल हमेशा ऑन द टॉप होता है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, मैं तो तैयार हूं, कि आप लोग तैयार हैं? अगर हैं तो संगीता जी का और विजय जी का तो आंसर आ गया यस मैम। बाकियों यस का, बाकियों के पास एक अस्त्र है, आपके पास 2 अंगूठे हैं, ठीक है। मैं आपको बता रही हूँ, आप ये अंगूठा दिखा सकते हैं, इसका बड़ा बड़ा विचित्र लैंग्वेज है, अंग्रेजी में हम कहते हैं शो मी अ थम्सअप, थम्सअप दिखाएं, और हिंदी में कहते हैं कि देखो भाई आपने मुझे अंगूठा दिखा दिया, ठीक। तो थम्सअप बड़ा पॉजिटिव लगता है, और अंगूठा दिखाना ये बड़ा नेगेटिव अप्रोच लगता है, लेकिन अब क्या करें, हम जब हम इंटरनेशनल हो रहे हैं तो हमें थम अंगूठा ही दिखाना पड़ेगा, करेक्ट। सो आई थिंक यू ऑल पीपल आर रेडी, यस।
तो सबसे पहले फ्रेंड्स आज कुछ टिप्स लिखना है आपको। टिप्स क्यों लिखना है? क्योंकि सफलता, हमेशा याद रखिए, सफलता की शुरुआत यहां से होती है, ठीक है? सफलता की शुरुआत हमेशा दिमाग से होती है। जब मेरा दिमाग ये कहता है कि क्या मैं सफल हो पाऊंगी या नहीं, अगर सफलता ने ये क्वेश्चन पूछा, इसका मतलब है कि सफलता खुद डाउट में है, राइट? तो ये हमेशा याद रखिएगा कि सफलता अगर खुद डाउट में है तो क्या हम कभी सफल हो पाएंगे? जवाब है नहीं। तो अगर मुझे सफल बनना है तो मुझे पहला टारगेट क्या लेना है कि यस, सफल तो बनना ही है, बाय हुक और बाय क्रुक। मुझे कोई रोक नहीं सकता सफल होने से, मुझे तो सफल बनना है। तो सबसे पहले, और आपको याद होगा हमारे बाली सर का एक स्लोगन है और वो हमेशा कहते हैं सफलता उन्हीं को मिलती है जिनकी तैयारी पूरी होती है, करेक्ट? तो सफल बनने के लिए जो सबसे पहला काम है, जो सबसे पहला काम, वो क्या है? आपको यहां से सफल बनना है। आपको सबसे पहले अपने दिमाग में एक परसेप्शन लाना है कि अगर इस जगह से आप देख रहे होंगे कि कुमार कुलविजय जी सक्सेस हैं, अगर आप इस जगह से देख रहे हैं राजकुमार गुप्ता जी सक्सेस हैं, अगर इस जगह से आप देख रहे हैं अंजनी कुमार जी सक्सेस हैं, अगर इस जगह से आप देख रहे हैं कि आपके टॉप टॉप लीडर जितने हैं वो सक्सेस हैं, अगर आपके सामने रमन झा जी बैठे हैं, अगर आपके सामने सुरेंद्र जी दिख रहे हैं, अगर आपके सामने अवधेश जी दिख रहे हैं, तो मैं आपसे एक ही चीज बोलूंगी कि भाई इन लोगों ने सफलता को देखा और इन लोगों ने सफलता को पूछा और आज की डेट में ये लोग सफल हैं। सो सॉरी फ्रेंड्स, सो सॉरी। तो जो मैंने आपसे बताया कि क्या होता है कि जब हम सफल होने का प्रयास करते हैं तो सबसे पहले हम अपने दिमाग में सोचते हैं क्या मैं सफल हो सकती हूँ। जवाब आता है कि अरे कोशिश करते हैं, देखते हैं। लेकिन कोशिश करने की नौबत ही क्यों आ रही है जब हमारे सामने ऑलरेडी एक इंसान है जो सफल है, जो अपनी सफलता की सीढ़ी अपने सामने जाहिर कर रहा है। अगर वो इंसान सफल है तो मैं क्यों नहीं, करेक्ट? अब पहला काम हमने ये किया कि हम अपने दिमाग से सफल हो गए कि मैं सफल हूं और मैंने सफल होने की ठान ली है, अब मुझे सीखना है। तो पहला काम आपको ये करना है फ्रेंड। अब सफल बनने के लिए जो हमारे पास सबसे बड़ी परेशानी होती है कि हम क्या करते हैं, तुरंत जाके लोगों को कहते हैं अच्छा मैंने ना वेस्टीज ज्वाइन किया है, आप भी वेस्टीज ज्वाइन करो, राइट? जैसे ही हम ये बात करते हैं वो इंसान सबसे पहले आपको देखता है, सबसे पहले। और आपको मैं एक चार्ट देती हूँ फ्रेंड, जिस चार्ट में लिखा हुआ है कि 55% लोग, ये अभी मैं आपको स्लाइड दिखाऊंगी, 55% लोग आपकी पर्सनालिटी को देखकर इंप्रेस होते हैं। दैट मीन्स आप दिखते कैसे हैं, राइट? उसके बाद वो सब एक पर्सनालिटी का ग्राफ है कि आपकी बात कैसे, आपके बात करने का अंदाज कैसा है, आपका आपका वोकैबुलरी, आपके पास जो वर्ड्स हैं वो वर्ड्स कैसे हैं, ये सब सेकेंडरी है। प्राइमरी क्या है? आप दिखते कैसे हैं, प्राइमरी। क्योंकि दो लाइन कॉपी में जरूर लिखिएगा, यू विल नेवर गेट अ सेकेंड चांस टू क्रिएट अ ग्रेट फर्स्ट इंप्रेशन। आपको जिंदगी में कभी भी दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलेगा कि आप अपनी पर्सनालिटी को चेंज कर पाए। जब इंसान आपसे मिलता है, जब इंसान आपको देखता है, वो उसी वक्त आपकी छवि तैयार कर लेता है। और जब वो छवि तैयार करता है उसके दिमाग में होता है कि ये इंसान कैसा है। और उसके साथ जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊं, मान लीजिए आप भी एक गोल्ड डायरेक्टर हैं, मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, मैं भी एक गोल्ड डायरेक्टर हूं, अवधेश जी भी एक गोल्ड डायरेक्टर हैं,
नाजिया जी भी एक गोल्ड डायरेक्टर हैं, ठीक है, और हमने अप्रोच किया संगीता जी को कि संगीता जी मैं वेस्टीज में गोल्ड डायरेक्टर हूं, आप मेरे साथ वेस्टीज ज्वाइन करो, मैं वेस्टीज में आपको कैरियर शो करूंगी। संगीता जी ने जब मुझे देखा तो उनको उन्होंने जब अगर अगर वो रियल मामले में अपने आप को सक्सेस करना चाहेंगी तो वो क्या देखेंगी, यार अगर ये गोल्ड डायरेक्टर है और अगर ये भी गोल्ड डायरेक्टर है और ये भी गोल्ड डायरेक्टर है तो मैं देखूंगी अच्छा कौन है, मैं किसके साथ जाऊंगी तो कौन मुझे सफलता की तरफ लेके जा पाएगा। हकीकत की बात क्या है कि उस वक्त वो क्या देखेगा, उस वक्त वो चेक नहीं देखेगा, उस वक्त वो नॉलेज नहीं देखेगा, उस वक्त वो आपको देखेगा। क्यों? क्योंकि डाउन लाइन हमेशा कैसा बनना चाहता है, बिल्कुल अपने अपलाइन के जैसा, राइट। हम कहते हैं ना कि फॉलो योर अपलाइन, तो अगर अपलाइन फॉलो करने, अगर मैं देखूं कि मेरा अपलाइन कैसा है, उसकी पर्सनालिटी कैसी है, क्या वो इंप्रेसिव है, अगर है तो बिल्कुल मैं अपने अपलाइन की तरह बनूंगी। अधीर जी ने एक लाइन बोला ट्रेनिंग के शुरुआत में कि आरती मैम आई हैं और स्पेशली ये सेशन तो सबके लिए है लेकिन खासकर महिलाओं के लिए है। आई एम सो सॉरी टू से, बिल्कुल नहीं। पर्सनालिटी मेल फीमेल दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। मैं हर एक महिला से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने वेस्टीज ज्वाइन किया है, आपके घर में आपके जो हस्बैंड है, आपका जो भाई है, आपका जो बच्चा है, आप उसको चेंज करें। क्यों? क्योंकि आप कितना जानते हैं ये सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, आप कितना जानते हैं ये आपके परिवार के ऊपर भी डिपेंड करता है। क्योंकि मैं हमेशा मानती हूं मैं बदलूंगी तो मेरा परिवार बदलेगा, मेरा परिवार बदलेगा तो मेरा समाज बदलेगा, और मेरा समाज बदल गया तो बिहार इतना बड़ा थोड़ी है कि हम बदल नहीं पाएंगे, राइट। लेकिन सबसे पहले कौन बदलेगा? सबसे पहले हम खुद बदलेंगे। और अगर कोई पुरुष जिन्होंने वेस्टीज ज्वाइन किया है, हम्बल रिक्वेस्ट करूंगी आप अपनी घर की महिलाओं को जरूर बदलिए, क्योंकि बदलाव लाना है फ्रेंड तो सबसे पहले बदलाव घर से आएगा, सबसे पहले बदलाव आपसे आएगा। क्योंकि जब इंसान आपको देखता है वो सबसे पहले आपकी पर्सनालिटी को देखता है कि आप कितने इंप्रेसिव हो, आपकी पर्सनालिटी कैसी है। अब पर्सनालिटी को चेंज करने के लिए क्या क्या करना है, तो मैं यहाँ पे आपको एक स्क्रीन शेयर कर रही हूँ जिसमें मैं छोटा सा एक टॉपिक आपके साथ शेयर करूंगी और उसके बाद मैं आगे की बात आपसे करूंगी, राइट। इस स्लाइड का नाम है ग्रूम फॉर सक्सेस। ग्रूम फॉर सक्सेस का मतलब जिंदगी में अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको सबसे पहले अपने आप को तैयार करना होगा। कहा जाता है व्हाट इज ग्रूमिंग, ग्रूमिंग वर्ड का मतलब क्या है। मैंने टॉपिक का नाम लिखा था पर्सनालिटी अ वे टू सक्सेस। पर्सनालिटी क्या है? एक रास्ता है कहां तक जाने का, सफलता की तरफ आपको लेकर जाने का, ये एक रास्ता है। इस रास्ते में क्या है, कहा जाता है कि ग्रूमिंग इज नॉट वैनिटी, इनफैक्ट इट टेक्स द स्पॉटलाइट अवे फ्रॉम यू। कहा जाता है कि वैनिटी जो होती है ना, ग्रूमिंग जो होता है, वो ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा तैयार हो गए, बहुत ज्यादा सज गए, ऐसा नहीं है। ग्रूमिंग एक ऐसा पार्ट है जो आपके ऊपर होता है ना, जैसे अभी अभी आप देख रहे होंगे कि जूम में जब हम मीटिंग करते हैं और एक इंसान के ऊपर स्पॉटलाइट डालते हैं, जब स्पॉटलाइट डालते हैं तो जूम में है 100 लोग लेकिन वो इंसान बोल रहा है तो वो दिखाई देता है, करेक्ट। ग्रूमिंग यही काम करता है, हजारों की भीड़ में आपको स्पेशल एक प्लेस दिलाने में मदद करता है ग्रूमिंग। प्रॉपर ग्रूमिंग आपको आपको मार्केट में बाकी हजार लाखों लोग खड़े हैं लेकिन एक इंसान पर निगाह जाकर टिक जाती है, उसको देखकर लगता है काश इसको देखता रहूं, राइट। इसलिए नहीं क्योंकि वो बहुत सुंदर है, इसलिए क्योंकि वो वेल ग्रूम्ड है, उसके हर चीज में एडिकेट्स नजर आ रहा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
कहा जाता है आप अपना प्रेजेंटेशन जितना अच्छा, जितना आप अच्छे तरीके से आप अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं आप बिल्कुल अपने आप को मेंटेन कीजिए। जस्ट अ मिनट। यस एक सेकेंड रुक जाइए, या तो कोई बच्चा कर रहा है या फिर कोई सर या मैडम कर रहा है। नाम पता चल जा रहा है मैम, नाम पता चल। एक मिनट मैं क्लियर कर दे रही हूँ, रुक जाइए दो सेकंड दीजिए मुझे। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ यहाँ। नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं है, बस ठीक है, उन्होंने ड्राइंग किया, हमारा काम है क्लियर कर देना। थैंक यू सो मच, हो गया। ओके मैम, राइट मैंने कर दिया सर। अब बेकार मेहनत नहीं मत कीजिएगा, क्योंकि आप भी तकलीफ करेंगे, मैं भी तकलीफ करूंगी, कोई फायदा नहीं है। तो बेटर है आप इंजॉय करें, आपको भी सुन के अच्छा लगेगा, और ड्राइंग से अच्छा मैं ट्रेनिंग दे रही हूं, तो प्लीज ट्रेनिंग पे ध्यान दें। राइट, सो प्रॉपर ग्रूमिंग टेक्स द अटेंशन, और उसके साथ साथ क्या करता है ये आपको बेस्ट पॉसिबल वे में, ये जरूरी नहीं है कि अचानक मैंने अपने आप को पूरा बदल दिया, लेकिन जितना मैं बदल के मैं कंफर्टेबल हूं उतना बदलाव जरूर लाइए। आपको ये सोचना होगा कि मुझे रोज अपने आप को ग्रूम करना है, मुझे रोज अपने आप को तैयार करना है, मुझे रोज प्रिपेयर्ड होना है कि मैं किसी काम को करने जा रही हूं। जैसे आपने देखा होगा कि बच्चा जैसा भी हो, जिस भी फैमिली का हो, जब बच्चा स्कूल जाता है तो उसको स्कूल का यूनिफॉर्म पहनाया जाता है। जब बच्चा स्कूल जाता है तो उस बच्चे को एक आदत दिलाई जाती है कि तुम सुबह उठ के तुमको नहाना है, तैयार होना है, फिर स्कूल जाना है। मुझे याद है जब मेरा बेटा 2.5 साल का था और जब स्कूल जाता था, मैंने उस दिन से उसको एक प्रैक्टिस दिलाई कि चाहे 7 बजे जाना हो, चाहे 6 बजे जाना हो, चाहे 9 बजे जाना हो, बिना नहाए तुमको स्कूल नहीं जाना है। और आज भी ऐसा होता है फ्रेंड्स कि वो जो जूम पे भी क्लास करने बैठता है तो वो सुबह सबसे पहले नहाने जाता है। कारण, अगर वो फ्रेश नहीं है, अगर अगर वो हेल्दी नहीं है तो वो क्लास में स्टडी कैसे करेगा। तो इट्स अ प्रैक्टिस, जो आप डालेंगे वही आपके साथ होगा। अब जब ग्रूमिंग की बात आती है तो सबसे पहला जो चैप्टर आता है हमारे पास ग्रूमिंग का, उसमें क्या आता है, जस्ट अ मिनट, just a minute, let me stop share and then I'll share। आपके बॉडी का पोस्चर कैसा होना चाहिए, आपका शोल्डर कैसे खड़ा होना चाहिए, आप जब बात कर रहे हैं तो आपके बात का अंदाज क्या होना चाहिए, ये सब सीखने की चीज। मैं जानती हूँ आप लोग चैंपियन हो, मुझे पता है, बट थोड़ा सा होता है ना, हीरा हीरा बहुत ही खूबसूरत होता है, थोड़ा सा तराश दिया जाए तो वो कोहिनूर बन जाता है। तो बिल्कुल तराशा हुआ हीरा है, आप लोग कोहिनूर बनाने की देर है। तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी लैंग्वेज। अगर मान लीजिए कि मेरा, मैं कोई बात कर रही हूं और मेरा कंधा झुका हुआ है, तो इसका मतलब है कि मेरा खुद का कॉन्फिडेंस कम है, और मैं आपको क्या बताऊंगी। तो जो आदमी जानता है वो इसको नोटिस करता है। साथ ही साथ आप जब दिखते हैं तो लोग तुरंत 55% लोग आपका चेहरा देखते हैं, और चेहरे में 3 से 30 सेकंड के अंदर लोग आपके ऊपर अपना इंप्रेशन तैयार कर लेते हैं। कितना, सिर्फ 3 से 30 सेकंड, 3 to 30 सेकंड, मिनट भी नहीं, 3 to 30 सेकंड के अंदर लोग आपको देखकर सारी गेसिंग कर लेते हैं आप कैसे हैं। उसके बाद लोग देखते हैं कि आप जो भाषा बोल रहे हैं, आपके मुंह से जो निकल रहा है, क्या आपने खुद भी उसको फॉलो किया। राइट, मान लीजिए अब मेरे चेहरे पर खुद इतने बड़े बड़े दाग हो, काला काला सा दाग, और मैं आपको जाके कहती हूं मैम ये वाला क्रीम लगाओ, ये क्रीम लगाओगे ना तो चेहरे का एकदम दाग खत्म हो जाएगा, आपका स्किन ब्यूटीफुल हो जाएगा, बहुत सुंदर लगोगे, तो लोग आपको देख के पहला क्वेश्चन यही कहेंगे कि मैम आपने लगाया। अगर आपने लगाया होगा तो आपका दाग तो नहीं गया, फिर आप मुझे कैसे बोल रहे हो। राइट,
तो आपको ये समझना है कि जो आप बोल रहे हो क्या आप वो दिख रहे हो? अगर यस गुड, अगर नो आई एम सॉरी। दूसरा है वर्बल टोन, पिच, पेस ऑफ वॉइस। आप लोगों को याद होंगे अटल बिहारी वाजपेयी हमारे हमारे पूर्व जो प्रधानमंत्री जी रह चुके हैं अटल बिहारी वाजपेयी, आपने सुना होगा उनका कन्वर्सेशन जब वो बोलते हैं, तो आपने उनका भी कन्वर्सेशन सुना होगा, आपने नरेंद्र मोदी जी का कन्वर्सेशन सुना होगा, आपने बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर का भाषण सुना होगा, राइट? आपने नॉर्मल लीडर का भी भाषण सुना होगा, हमारे वेस्टीज में भी सारे लीडर हैं, आपने उनका भी भाषण सुना होगा, वो जो अपना ट्रेनिंग मीटिंग करते हैं। कुछ कुछ लोगों की मीटिंग आपको बहुत अच्छी लगती होगी, आपको लगता होगा कि आप बोलते जाओ, बस आप बस बोलते जाओ, घंटा दो घंटा कब टाइम पता बीत गया पता ही नहीं चला। ये एक होता है, और दूसरा ये होता है कि कुछ लोग ऐसी बातें करते हैं कि लगता है यार कब खत्म होगा, यार पता नहीं घड़ी का टाइम निकल ही नहीं रहा, मीटिंग कब खत्म होगी, टाइम कब खत्म होगा, मुझे छुट्टी चाहिए और कितना सुनना पड़ेगा। कभी आपने सोचा ऐसा क्यों हुआ? बोल तो बंदा है, बात तो नॉलेजेबल कर रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका वर्बल टोन, आप जिस अंदाज में बात कर रहे हैं, वो अंदाज बहुत मायने रखता है फ्रेंड्स, नॉलेज से ज्यादा मायने रखता है आपका वर्बल टोन, आप जिस अंदाज में बात कर रहे हैं, आपका पीस ऑफ वॉइस। मैंने क्योंकि मैं 14 साल से नेटवर्क में ही हूं, तो मैंने 5% से लेके वेस्टीज एम्बेसडर सबके साथ काम किया है, सबके साथ। जब अवार्ड सेरेमनी होती है, मैं देखती हूँ लोगों का टेम्परामेंट एकदम हाई होता, गॉड मॉर्निंग वेस्टीज, और वो जो हाई शुरू होता, माय गॉड, जब पूरी मीटिंग के बाद आप सुनो उनका गला बैठ गया होता है, राइट? हमें कहां पे पॉज लगाना चाहिए, कहां पे, जैसे अगर मैं आपको बोलूं गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम आरती तिवारी है, मैं वेस्टीज में ये हूं, ये एक टोन है, राइट? लोग बोलते हैं, लेकिन इससे क्या पता चला कौन हो आप? लेकिन अगर मैं बोलूं गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम आरती तिवारी है, तो मैंने क्या किया, आरती के ऊपर फोकस ज्यादा डाला, तिवारी के ऊपर एम्फेसिस मेरा थोड़ा कम था, मैं जोनल सेल्स मैनेजर हूं वेस्टीज की, राइट? किसकी जोनल सेल्स मैनेजर हूं? वेस्टीज की। हैंडल क्या करती हूं? इंटायर ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट, मतलब ईस्ट देखती हूं साथ में नॉर्थ ईस्ट हैंडल करती हूं। तो ये जो मैं पॉज दे रही हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं एक ही पेस में बोलती चली जाऊं, गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम आरती तिवारी है, मैं वेस्टीज की जोनल सेल्स मैनेजर हूं, मैं वेस्टीज में ईस्ट नॉर्थ ईस्ट को हैंडल करती हूं, अंदाज आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूं। बोलने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैसे बोलना है, वर्बल कंटेंट, जिस टॉपिक पे आप बात कर। नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बट कितना इंपॉर्टेंट है? 7%, मतलब बहुत ज्ञानवर्धक बातें लोगों को ऊपर से निकल जाती है, राइट? बहुत ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इतने ज्ञान की आवश्यकता जरूर है जिससे सामने वाले को यह पता चले कि यस, ये मेरे से ज्यादा जानती है। क्यों? क्योंकि लोग तभी आपकी बात सुनेंगे जब आपका उस नॉलेज के ऊपर कमांड होगा, राइट? So, आपको इसको फॉलो करना है। अब आ गई बात हमारी ग्रूमिंग की, तो व्हाई ग्रूमिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस ये हमने बता दिया, कंटेंट हमने बता दिया। अब चले आइए आप, इफ यू लुक गुड यू विल फील गुड। अगर आप ओके, स्क्रीन विजिबल है, नाजिया क्लियर आ रहा है, आप लोगों को दिखाई दे रहा है, राइट? ओके, इफ यू लुक गुड यू विल फील गुड, थैंक यू। इफ यू लुक गुड यू विल फील गुड, एंड इफ यू फील गुड यू विल डू द ग्रेट। अगर आप अच्छे दिखेंगे तो आप अच्छा महसूस करेंगे, अगर आप अच्छा महसूस करेंगे तो आप अच्छा काम ऑटोमेटिकली कर जाएंगे,
जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आप शादियों में जाते हो और सबसे बन ठन के जाते हो, चाहे लड़का हो या लड़की। आज तक किसी ने बोला है कि वाइफ को कि तुम तैयार हो जाओ भाई शादी में जाना, मैं तो तैयार नहीं हूंगा, मैं तो कैसे भी चला जाऊं। होता है क्या ऐसा? वाइफ तुरंत बोलती है नहीं 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 अच्छा कपड़ा पहनिए, सुंदर से तैयार होइए, लोग आपको देखेंगे तो क्या बोलेंगे। ठीक है, फिर हस्बैंड वाइफ दोनों तैयार होते हैं, शादियों में जाते हैं, राइट। और शादियों में जाने के बाद जब दो लोग कॉम्प्लीमेंट देते हैं, ओ माय गॉड आज तो बड़ी सुंदर लग रही है, कैसा लगता है? माय गॉड, पैर जमीन पे नहीं पड़ता। उसके बाद दो लोग और कहते हैं, अरे वाह बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप, बड़ा शानदार मेकअप किया आपने, आपकी साड़ी भी बहुत अच्छी है, आप बहुत सुंदर लग रही हैं। उसके बाद आप ध्यान दीजिएगा, वो लेडी ना पूरे पार्टी में बैठेगी नहीं, वो लेडी पूरी पार्टी में घूमती रहती है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि आज मैं बहुत सुंदर लग रही हूं, राइट। और उसका उसके अंदर ना थकावट होती है ना उसको प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि वो बहुत खुश होती है। सेम चीज मेल फीमेल सबके साथ होता है। इफ यू लुक गुड यू विल फील गुड, इफ यू फील गुड यू विल डू द ग्रेट। आप वो ग्रेट, आप वो अच्छा काम करोगे जो आप करना चाहते हो। अब आते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। आगे जब हम बढ़ेंगे तो हमें क्या करना चाहिए? आप सभी को पता है कि एक अच्छा हाइजीन और एक अच्छा स्किन केयर आपको जरूर यूज करना चाहिए। स्किन केयर में मैं बार बार बात करती हूँ आपसे प्रीमियम ब्रांड की। क्यों बात करती हूँ? क्योंकि अगर मैंने अपने आप को कम दाम वाली चीजों में अटका के रख दिया तो फिर प्रीमियम वर्ड का मतलब खत्म हो जाएगा, और इसके ऊपर मैं आपसे बाद में बात करूंगी। एक अच्छा मेकअप बहुत जरूरी है, एक अच्छा स्किन केयर आपको करना चाहिए, एक अच्छा मेकअप आपको करना चाहिए। और मेकअप करते वक्त हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि आपका कलर, फाउंडेशन का कलर, ब्लश का कलर, कॉम्पैक्ट का कलर ऐसा ना हो कि आप एकदम सफेद हो जाएं, वो एक नॉर्मल मेकअप होना चाहिए। साथ ही साथ अच्छा मेकअप टिप्स आपको इस्तेमाल करना चाहिए, और उसके साथ अपने हाथ का नाखून का भी आपको ख्याल रखना चाहिए। अब बारी आती है जो लड़का लड़की सबको करना बहुत जरूरी है, वॉक कॉन्फिडेंटली विथ अ स्माइल ऑन योर फेस। आपको हमेशा जब भी आप किसी से मिलते हैं आपको कॉन्फिडेंट होने चाहिए, आपकी जो चाल है वो चाल कॉन्फिडेंट होनी चाहिए, और उसके साथ साथ आपके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल होनी चाहिए। कहा जाता है कि स्माइल दुनिया में सबसे बड़ा अस्त्र है किसी भी मतलब किसी भी कंपटीशन को विन करने के लिए। तो सबसे पहले एक ग्रेट स्माइल होनी चाहिए। आपके आंखों में आंखें डालकर कभी भी जब आप बात कर रहे हैं आंख नीचे नहीं होनी चाहिए आपकी। और मैं आप लोगों को एक टिप शेयर कर दूं यहाँ पे, जब भी आप देख रहे होंगे कि अगर आंखों में देख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई फीमेल है और आपको लग रहा है कि आप उसकी आंखों में डायरेक्ट नहीं देख सकते, ऑलवेज ट्राई टू लुक हियर, यहाँ पे, ठीक है। इससे क्या होता है, डायरेक्ट आई टू आई कॉन्टेक्ट नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं लगेगा कि आपने अपनी नजरें झुका ली हैं। तो आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि आई टू आई कॉन्टेक्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंसान वही आई टू आई कॉन्टेक्ट कर सकता है जो बहुत कॉन्फिडेंट है। साथ ही साथ गुड मॉर्निंग जरूर बोलना चाहिए, आप ग्रीट कर रहे हो, कैसे हैं आप, बहुत अच्छा लगा आज आपसे मिलकर, ये कुछ लाइन से जो बोलने चाहिए। हाथ जब आप मिलाते हैं काफी फॉर्म, ये जब हम प्रैक्टिकल सेशन करेंगे मैं आपको बिल्कुल सिखाऊंगी, बहुत टाइट नहीं होना चाहिए, बहुत ढीला नहीं होना चाहिए, लेकिन फॉर्म स्माइल होनी चाहिए, फॉर्म हैंडशेक होना चाहिए। और अगर कोई महिला महिला से मिल रही है या कोई पुरुष पुरुष से मिल रहा है तो आप उनके गले भी मिल सकते हैं। वैसे थैंक यू टू कोरोना अब आप गले भी नहीं मिल सकते हैं और ना ही आप हैंडशेक कर सकते हैं। आपको क्या करना है, ओनली हिंदुस्तान का पुराना तरीका, नमस्ते, राइट, दिस इज द बेस्ट वे, नमस्ते, काम खत्म, कोरोना से बचाओ और साथ ही साथ एक सुरक्षित भाव भी रहेगा आपके पास। इसके साथ है हेयर स्टाइल, लड़का हो या लड़की, एक अच्छा हेयर स्टाइल सबके लिए जरूरी है।
तो टाइम टू टाइम आपको हेयर कट लेना चाहिए। लड़कों के लिए मैं कुछ स्टाइलिश हेयर कट मैंने दिखाया, आप ये सब स्टाइल कटवा सकते हैं, तो आप भी बिल्कुल शाहरुख खान, सलमान खान, अमिताभ बच्चन की तरह लुक्स और पर्सनालिटी आपकी भी बदल जाएगी। तो थोड़ा सा तो होना चाहिए स्टाइल। हमेशा याद रखिएगा, वुमेन्स हमेशा जानी जाती हैं अपने स्टाइल के लिए। तो इसमें आप अगर ब्लाउज पहनते हैं तो हमेशा याद रखिए, अगर आपने साड़ी पहना है तो या तो आप एयर होस्टेस ब्लाउज बनवाइए, या फिर आप थोड़ा कॉलर, जो चाइनीज कॉलर हम बोलते हैं, वो बनवाइए। कभी भी बैक डिप आपको नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि इससे कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। अगर आप सूट पहनते हैं तो आप देख रहे होंगे, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि सूट में आपका जो कुर्ते का लेंथ है वो कितना होना चाहिए, टाई जो आपकी बो रोब है वो कितनी होनी चाहिए। ये छोटी छोटी सी टिप्स है जो आप लोग जब मिलोगे तो मैं जरूर शेयर करूंगी आपसे। लड़कों के लिए स्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। लड़के सोचते हैं कि स्टाइल की जरूरत नहीं है। आपको हमेशा सोचना चाहिए कि अगर आपने यूनिफॉर्म पहना है तो टाई का नॉब बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए, कोट या ब्लेजर का आपका फिटिंग्स बहुत प्रॉपर होना चाहिए, पैंट बहुतों को मैंने देखा या तो छोटा हो जाता है या तो बड़ा हो जाता है, इट शुड बी लाइक फिटेड पैंट्स। इसके साथ साथ अगर आपने पहना है तो आपको देखना है कि आपकी जो टाई है उस टाई का जो लेंथ होगा वो आपके बेल्ट से ऊपर होना चाहिए। उसके साथ साथ सॉक्स जो आप पहनते हैं वो, अगर आपने ब्लैक शू पहना है तो ब्लैक ही सॉक्स होना चाहिए, कलर अलग नहीं होना चाहिए। छोटी छोटी से टिप्स है फ्रेंड्स जो आपको जरूर नोटिस करना चाहिए, क्योंकि लोग ये सारी चीजें देखते हैं। उसके साथ सही बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कि आप कहाँ पे कौन सी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, आपने क्या बोला, आपका बॉडी लैंग्वेज क्या है और आपको लोग किस तरीके से देख रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए एक राइट पोस्चर दिखाई दे रहा है। राइट पोस्चर मतलब खड़े होने का तरीका, आप किस अंदाज से खड़े होते हैं ये भी लोग नोटिस करते हैं फ्रेंड, कि आपका खड़ा होने का तरीका क्या है। एकदम बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा होना चाहिए, आप मेल हो या फीमेल हो, आपका जो बॉडी पोस्चर है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। अब समरी, समरी मतलब स्क्वायर अप करते हैं, क्या है, क्लीन अप, साफ सुथरा हो। साथ ही साथ हमेशा याद रखिए, कम भी नहीं मेकअप करना, बहुत ज्यादा भी नहीं करना। टू मच मेकअप भी खराब लगता है, कम भी खराब लगता है। मेकअप सिंपल और बेसिक होना चाहिए, आपको बहुत ज्यादा गहने नहीं पहनने हैं। बहुत सारी लेडीज को मैंने देखा इतना लंबा लंबा मंगलसूत्र, इतने सारी चूड़ियां, इतना सोना का कड़ा, ब्रेसलेट, नहीं जरूरत है। मिनिमम ज्वेलरी, जितने से काम चल जाए, जो आप रेगुलर यूज में यूज कर सकते हैं बस वही। हेयर स्टाइल एक अच्छा होना बहुत जरूरी है, उसके साथ साथ आपका जो ड्रेसिंग है वो बहुत जरूरी है। साथ ही आप कैसे खाना खाते हैं, किस तरीके से खाना खाते हैं, और शूज बहुत इंपॉर्टेंट है, चप्पल जो आप पहनते हैं। साथ ही एक अच्छी स्किन, एक अच्छी नींद, एक अच्छा बॉडी पोस्चर और उसके साथ सही भाषा का प्रयोग, ये सब मिला के अगर हम बात करेंगे तो ये बन के चला आएगा फ्रेंड हमारा टोटल का टोटल पर्सनालिटी एनहेंसमेंट, राइट। अब मैं, ये तो बातें हो गई हमारी, ये जो हमने बातें की ये थी हमारी ग्रूमिंग। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप लोगों में से कितने लोगों का मन करता है कि एक अच्छा ब्रांड, एक अच्छा प्रोडक्ट मुझे भी यूज करना चाहिए। क्यों मैंने ये क्वेश्चन पूछा? यस, सीमा जी का थम्स अप मुझे दिख रहा है। मैंने ये क्वेश्चन क्यों पूछा, क्योंकि फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं आपका ये समझना कि एक अच्छी पर्सनालिटी, एक अच्छा मेकअप, एक अच्छा क्रीम हर आदमी के लिए जरूरी है। क्यों? स्किन सबसे पहले विजिबल है, ये सबसे पहले दिखता है, फेस सबसे पहले दिखता है, ड्रेस और फेस ये दो चीजें आपकी पर्सनालिटी को सबसे पहले चेंज करती हैं।
लोग कहते हैं मैम थोड़ा कम दाम का प्रोडक्ट बताइए ना, क्रीम तो लगाएंगे चार नहीं लगाएंगे, दिन भर क्रीम ही लगाएंगे। ठीक है, फिर लोग ये भी बोलते हैं बहुत महंगा है। मैंने सीखा है आजकल, मैं आजकल बहुत सारी ट्रेनिंग अटेंड करती हूँ, मैं देखती हूँ लोग क्या क्या बोलते हैं, बहुत महंगा है, थोड़ा कुछ कम दाम का बताइए ना। अब ये समझिए कि आप एक रास्ते में जा रही हैं, एक रास्ते की दुकान पे खड़ी होती हैं और वहां पे आवाज देती है चुन्नो दो चाय लाना। चुन्नू एक छोटा सा पैंट पहना रहता है, एक गंदा सा स्वेटर पहना रहता है, हाथ में केतली लिए दो भांड लिए चुन्नू दौड़ता हुआ आता है, चाय डालता है, लीजिए मैडम चाय पीजिए। ठीक है, चाय का दाम है 5 रुपये, राइट। आप चुन्नू को देखते और बोलते हैं कि नहीं नहीं ठीक है, थोड़ा आगे बढ़िए, थोड़ा कुछ अच्छा दुकान देखिएगा तो वहां पे रुकिएगा, ये दुकान पे तो नहीं पी पाएंगे, बहुत गंदा है, देख रहे बर्तन कितना गंदा है, कितना गंदा केतली है उसका, कितना गंदा हाथ है उसका, थोड़ा आगे बढ़िए। थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि एक अच्छा सा थोड़ा साफ सुथरा दुकान है, आप खड़े होते कहते चाय पीना है, आप उससे पूछते हैं चाय है भैया, वो कहता हाँ, कितने का है, तो वो कहता 10 रुपया, ठीक है दो चाय दीजिए। आप चाय पीते कहते ये देखे कितना अच्छा लग रहा था, साफ सुथरा अच्छा, हर चीज अच्छा, बर्तन ही देख के लग रहा कि अच्छा चीज डाला होगा, राइट। अब पहले तो मुझे ये जवाब दीजिए कि चाय 5 रुपए वाली पियेंगे कि 10 रुपए वाली, मतलब चुन्नू क्या पियेंगे कि मुन्नू क्या पियेंगे, मैं वेट कर रही हूं आपके आंसर का। चुन्नू नंबर 1 पे था 5, अच्छा दुर्गेश जी कह रहे 10, ओके नंबर 2, विजय जी कह रहे, विजय जी और सीमा जी कह रही है 10, नाजिया कह रही है 10, ओके गुड, सीमा जी कह रही है 10, मैं देख रही हूं सबका, जो आंसर नहीं देगा वो 5 वाले हैं, राइट, जो आंसर नहीं दे रहे वो 5 वाले हैं, यही ना, मतलब भाई बुद्धि थोड़ी मोटी है तो ऐसे ही समझना पड़ेगा ना कि जिन्होंने आंसर दिया वो 10, जो आंसर नहीं दे रहे वो 5। सुधांशु जी 5 या 10, सुधांशु जी कह रहे हैं 2 नंबर 10, ओके आदित्य जी कह रहे हैं 10, अच्छा कुछ लोग तो डर के मारे 10 कह रहे हैं कि मैडम मुझे 1 नंबर वाले में ना डाल दें, ओके ग्रेट। संतोष जी चाय 10 वाली पियेंगे कि 5 वाली, संतोष जी क्या, अच्छा 2 नंबर दिखा रहे हैं, ओके 10 वाली, ठीक है। या संतोष जी मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, कहीं आपने 2 रुपए वाली तो नहीं बताई? नहीं मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग संतोष जी, गुड मॉर्निंग। 2 रुपए वाली तो नहीं बताई ना कि मैडम आप 5 की बात कर रहे हो, मैं 2 रुपए वाली पी लूंगा, नहीं ना? दो नंबर मतलब 10 रुपए वाला, गुड गुड गुड, थैंक यू सो मच संतोष जी, थैंक यू सो मच। यस, तो आप लोगों का सबका जवाब आ रहा है 10, राइट। क्यों 10, वाई 10 क्यों? मैं संजय जी को अनम्यूट करूंगी और मैं संजय जी से जानना चाहूंगी, संजय जी 10 क्यों? संजय जी अनम्यूट करें अपने आप को जी। मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग संजय जी, 10 वाली चाय क्यों पियेंगे जी? 10 वाले में उसका जो सफाई है और नीट एंड क्लीन बच्चा है, तो इसके चलते मैं उसका जो 10 रुपए वाला चाय लूंगा, और वो जो है कि देखने में भी सुंदर लग रहा है। ग्रेट, लेकिन सफाई से आप मतलब क्या इंडिकेट करना चाहते हैं? सफाई है तो क्या फायदा होगा हमको, जो है कि हेल्थ इश्यू से, हेल्थ इश्यू जो होगा मेरा वो बेटर रहेगा। ग्रेट, थैंक यू सो मच संजय जी, थैंक यू सो मच। मैं यही आंसर आपसे उम्मीद कर रही थी और आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है, 5 रुपए वाला भी चाय ही था, राइट। लेकिन 5 रुपए वाला बता रहा है कि अगर आप सस्ता पियेंगे तो आप जिंदगी भर रोएंगे,
और अगर आप महंगा पिएंगे तो आप स्वस्थ भी रहेंगे, अच्छे भी रहेंगे और आप आगे बढ़ने का आपके अंदर मतलब, कहने का मतलब है आप आगे भी यात्रा पूरी कर पाएंगे, राइट? ऐसा क्यों होता है फ्रेंड? क्योंकि बार बार कहा जाता है कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल बताऊंगी। किशनगंज में, तब मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर में जॉब करती थी और मैं किशनगंज गई थी, वहां पे एक लेडी थी। तो जब मैं गई तो वो करीबन 3 घंटे उसने मेरा वेट किया था मेरे से मिलने के लिए। जब मैंने पूछा कि बेटा क्या बात है, तो वो इतनी सुंदर लड़की थी, इतनी सुंदर लड़की थी कि मैंने अपने लाइफ में शायद हीरोइंस को भी इतना खूबसूरत नहीं देखा होगा। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है आपको? तो कह रही है मैम हमारे घर में एक निकाह था और मुझे लगा कि शादियां निकाह वगैरह तो साल में एक आध बार होते हैं, तो मुझे मन किया कि मैं ब्लश लगाऊं। और मैंने सोचा कि निकाह एक बार है तो मैं महंगा ब्लश खरीद के क्या करूंगी। मैंने उस टाइम पे एक 35 रुपए का एक कंटेनर डब्बा मिला था, मैंने उसको खरीद लिया। मुझे एक बार लगाना था क्योंकि मैं बहुत ज्यादा मेकअप नहीं करती हूं। मैंने एक बार लगाया और लगाने के बाद जब मैंने उसको छोड़ा तो बाकी पूरे चेहरे का मेकअप निकल गया, लेकिन वो ब्लश का जो कलर है वो मेरे गालों पे रह गया। और वो लड़की कह रही है कि मैम आप कोई भी प्रोडक्ट बता दो, जितना भी महंगा प्रोडक्ट बताओ, बस मुझे ठीक कर दो। मुझे बहुत दुख हुआ क्योंकि हमारे पास कोई जादू की ऐसी छड़ी नहीं है कि हम खराब को ठीक कर सके। लेकिन हिंदुस्तान में ये मानसिक बीमारी है हमारे पास कि हम लोग शुरुआत के दिन में कभी अपने आप का ख्याल नहीं रखते, हमेशा यही कहते हैं जब होगा तब देखेंगे। अभी ठीक है ना, जब होगा तब देखेंगे। और मुझे आज तक नहीं समझ में आया कि होने के बाद आपके पास देखने लायक क्या बचेगा। प्रॉब्लम तो हो गई, अब आपके पास बचा क्या है जो आप देखेंगे? कुछ नहीं है आपके पास। तब लोग कहते हैं मैडम आप जो देंगे हम वो करने के लिए तैयार है, बस आप बताइए क्या करना है। काश ये सुबुद्धि हमें तब आती जब इसकी आवश्यकता नहीं थी। लेकिन परेशानी यह है कि अगर आज बाजार में टमाटर 100 रुपए किलो है, हम आज भी बाजार जाएंगे, दुकानदार से पूछेंगे कितने रुपए किलो, दुकानदार कहेगा 100, तो हम कहेंगे 90 रुपया दोगे तो 1 किलो लेंगे। 3 महीने बाद सीजन बदल गया, टमाटर का दाम 10 रुपए किलो हो गया, हम दुकान जाएंगे, दुकानदार से पूछेंगे टमाटर कैसे किलो, दुकानदार कहता है भाई साहब बहुत सस्ता है 10 रुपए। लेकिन हमें शांति कहाँ? हम कहते हैं क्या बात कर रहे हो, 10 रुपया, 8 रुपया दोगे तो 1 किलो लेंगे, राइट? 100 था तब भी 80 चाहिए था, 10 है तब भी 8 चाहिए। क्योंकि परेशानी ऐसी नहीं है कि टमाटर सस्ता महंगा है, परेशानी ये दिमाग में बार्गेनिंग लिखा है, राइट? हमेशा याद रखिए कम दाम की चीजें और बढ़िया दाम की चीजों में एक ही अंतर होता है, वो होता है उसका इंग्रेडिएंट्स और क्वालिटी। सोना कभी पीतल के दाम पे नहीं बिकता, हमेशा याद रखिए। सोना खरीदना होगा तो सोने के ही प्राइस में मिलेगा। लेकिन ये है कि जो काम सोना करेगा अगर वो पीतल कर सकता तो लोग कभी सोना खरीदते ही नहीं। ठीक, अब इससे ज्यादा मुझे कुछ बताने की आवश्यकता है? आई थिंक नहीं। हमेशा सर्च फॉर अ ब्रांड, एक लूंगी, जरूरी नहीं है 5 की, एक लूंगी, अच्छा लूंगी। और ये सारी बातें मैंने स्पेशली आपको बोली स्किन फॉर्मूला 9 के लिए, क्योंकि मैं जानती हूं इसका जो क्वालिटी है, जो इंग्रेडिएंट्स है, जो प्रोडक्ट है, ये प्रीमियम, वेस्टीज का प्रीमियम है ये। और अगर इस प्रोडक्ट के ऊपर अगर आप काम करेंगे
तो डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगी कि स्काई इज द लिमिट। मैं बहुत फक्र से कहती हूँ और मैंने हर मीटिंग में कहा है, इनफैक्ट बिहार की मीटिंग में तो आज पहली बार बोल रही हूँ। जब मैं पहली बार सिवान आई थी, मुझे शायद अवधेश जी मैं अगर गलत नहीं हूं तो उस टाइम पे शायद 500 के आसपास लोग उस मीटिंग में आए थे, राइट। और 500 की मीटिंग में जब मैं पहली बार हॉल में मुझे सीमा जी मिली, तो सीमा जी ने मुझसे पूछा था कि मैम मेरे चेहरे पे प्रोडक्ट लगाना, मैं क्या लगाऊं, दाग है मेरे चेहरे पे, मैं क्या लगाऊं। और मैंने उस टाइम पे उनको जो 3 प्रोडक्ट दिया था उसका, उसके बारे में सीमा जी खुद बताएंगी, मैंने उनको डीप क्लिंजिंग ऑयल, ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट और इंटेंस हाइड्रेशन बताया। और बताने के बाद मैं निकली और मैं ये जानती थी कि मैं बोल के तो जा रही हूं लेकिन ये सुनेंगी ये लेंगी नहीं, ठीक है। और मैं बोल के निकल आई, उसके बाद फिर मैंने कभी पूछा भी नहीं क्योंकि मेरा उनके साथ कोई कॉन्टेक्ट भी नहीं था, मेरा काम था लिखना, मैं लिखी और चली आई वहां से। जब लॉकडाउन हुआ और जब सीमा जी से मेरी बात हुई तो सीमा जी ने बोला कि मैम आपको तो याद नहीं होगा लेकिन मुझे याद था कि उस टाइम सिवान में आप मीटिंग में आई थी और आपने मेरे लिए प्रोडक्ट लिखा था और मैंने प्रोडक्ट लगाया, प्रोडक्ट का इतना अच्छा रिजल्ट मिला कि आज मैं मार्केटिंग कर रही हूं और मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है, लोग मेरा चेहरा देख के प्रोडक्ट ले लेते हैं। और सीमा जी ने एक बड़ी अच्छी बात बोली, उन्होंने बोला कि मैंने प्रण लिया है कि मैं पूरे बिहार में स्किन फॉर्मूला 9 वाली लेडी के नाम से जानी जाऊंगी और 22 जनवरी एंड तक मेरे टीम में 100 यूजर होंगे स्किन फॉर्मूला 9 के। उनकी ये बात, अब आप सोचो कि मेरे दिमाग पे कितना बड़ा स्ट्राइक की है कि मैं हर मीटिंग में उनकी ये बात जरूर बोलती हूं, क्योंकि सीखा बहुत लोगों ने विश्वास करना और उसके ऊपर काम करना, ये आपके हाथ में है, राइट। तो मैं आपसे यही बोलूंगी, पर्सनालिटी को एनहेंस करना है, सबसे पहले एक प्रीमियम ब्रांड अपने लिए शुरू कीजिए। क्यों शुरू कीजिए? क्योंकि आपको याद होगा, आपने जब वेस्टीज शुरू किया था तो आपके दिमाग में ये बात होगी कि हमने जिंदगी शुरुआत की थी साइकिल पे, शायद साइकिल भी नहीं था, पैदल चलते थे, साइकिल से शुरू की। लेकिन आज तमन्ना क्या है? घर के सामने 4-व्हीलर चाहिए। वेस्टीज में यही देखते हैं ना, 4 चक्का लेना है, राइट, हाउस फंड लेना है। तो सपने देखने हैं हाउस फंड के, गाड़ी चाहिए आपको 4-व्हीलर, और होगा तो अच्छा लगेगा क्या? नहीं ना। तो सिर्फ यही रिक्वेस्ट करूंगी फ्रेंड्स, थिंक बिग एंड एक्ट बिग। बड़ा सोचिए, बड़ा कीजिए, और एक चीज याद रखिएगा, अगर आप बड़ी सोच रखेंगे तो जिंदगी में कभी भी छोटी सफलता नहीं मिलेगी, सफलता भी बड़ी ही मिलेगी, राइट। मेरे हिसाब से आज, चूंकि अब 2 दिन के बाद क्रिसमस आने वाला है, 5 दिन के बाद नया साल आने वाला है, 2020 दुनिया के लिए नेगेटिव था, वेस्टीजियन के लिए सबसे पॉजिटिव साल था। और 2020 में हमने बहुत सारी चीजें सीखी। शायद ये जो मीटिंग हम लोग आज कर रहे हैं, इस मीटिंग को करने के लिए अवधेश जी को कम से कम मुझे 25 बार फोन करना पड़ता और मैं हर महीने यही बोलती हूँ, अवधेश जी देखती हूँ अभी तो सिवान का डेट ही नहीं निकल रहा है, देखती हूँ अवधेश जी मैं तो बिहार आ ही नहीं रही हूं, अगर आती हूं तो मैं पक्का सिवान की मीटिंग करूंगी। और जनवरी से मार्च होता, मार्च से मई होता, मई से सितंबर होता, और लास्ट में कहीं साल में हम 2 बार एक दूसरे के सामने आते, जो कि इस साल में हमने 3-4 मीटिंग एक दूसरे के साथ कर ली, राइट। तो ये लॉकडाउन ने हमें सिखाया, ये कोरोना ने हमें अपना पॉजिटिव इम्पैक्ट दिया, ठीक। तो आपने सीखा बहुत कुछ, उसको इम्प्लीमेंट करना है। अभी ऑफर भी चल रहा है, अगर आप 6,000 रुपए के मिस्ट्रल, ड्यू गार्डन या SF9 का कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो 27 तारीख तक आपको 4,500 रुपए का क्रोको टोट बैग एब्सोल्युटली फ्री मिल रहा है, जो एक बहुत अच्छा ऑफर है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी, यूजर तैयार कीजिए, जितना प्रीमियम, क्योंकि ना नेटवर्क का नियम है 1 स्टेप अप, ऊपर के लोगों के साथ काम करना चाहिए। हम लोग खोजते हैं
गांव देहात और नीचे और नीचे और नीचे। अरे बेचारा वो खुद ही खाने को नहीं मिल रहा, वो आपका बिजनेस क्या करेगा। तो आप अब थोड़ा ऊपर सोचेंगे, अच्छे कस्टमर से मिलेंगे, अच्छे लोगों से मिलेंगे, समझाएंगे तो कम से कम उसके पास बाइंग कैपेसिटी है, वो खरीदने की क्षमता रखता है। एक प्रोडक्ट समझाएंगे वो तीन प्रोडक्ट आपसे ऑर्डर देगा। लेकिन वैसे कस्टमर आपको देखने हैं, कस्टमर बनाइए। अगर आपने तीन तीन कस्टमर अच्छे बना लिए तो आपका एक मंथ में आप कितने सारे फास्ट स्टार्ट 8% बना सकते हैं। दो लोगों को 150-150 PV का आपने काम करा दिया, आप फास्ट स्टार्ट बन सकते हैं। तो फास्ट स्टार्ट 8% बनना कोई बड़ी बात नहीं है, हमारे पास बिजनेस करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एक एक प्रोडक्ट के ऊपर 73.33 PV का बिजनेस है और पीवी से ही चेक आएगा, राइट? मेरे से ज्यादा अच्छी भाषा पीवी की आप लोग जानते हो, क्योंकि आपको पता है कि पीवी इज इक्वल टू चेक, राइट? तो मैं अब इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलूंगी। हाँ।